पार्टनर पीरो आदमी है मार के दिखा इसको। और भाई लोग क्या हालचाल कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहा। आ चुके कौन है गेमप्ले वीडियो के साथ। और आज ना मुझे एक ऐसा रैंडम बंदा मिलता है जो कि मेरे पे अंधा भरोसा कर लेता है, मेरे साथ एक डुअर से स्क्वाड मैच लगाता है, उसके बाद ऑल पे सभी बंदों को मेरे नाम की सुपारी दे देता है, सबको चैलेंज कर देता है कि भाई इस बंदे को यानी मेरे टीममेट को कोई मार के दिखा दो दम है, तो कोई नहीं मार पाएगा ऐसा वैसा बोल के ना एकदम मैच को इंटेंस बना देता है, मैं एकदम सीरियस हो जाता हूँ। उसके बाद बहुत सारी फाइट्स होती है, बंदे लिटरली ट्राई हार्ड करते हैं, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले ना यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, गेम रखते हैं सिर्फ 200 लाइक्स का, तो प्लीज लाइक्स कंप्लीट करवा देना यार। फिलहाल के लिए उतरता है यहाँ पे जहाँ पे दो स्क्वाड्स आया, उतरते ही मुझे मिलती है डीपी, उसके आगे फाइट देखो। अब यहाँ पे इन दोनों बंदों को नॉक करने के बाद फिनिश दे देता हूँ, और इनका तीसरा जो बंदा है वो है नीचे। अब इस बंदे को मारने के बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे कि पीछे से गोलियां चलती हैं। मालूम नहीं क्या सोच के ये बंदा ओपन से अपने आप को रिवील कर दिया और इजीली मारा गया। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, जोन की तरफ भाग रहे थे कि पीछे बॉट की आवाज आती है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे बॉट है कि रियल बंदा, बट यहाँ पे ना अलग ही सीन हो जाता। अरे बेटा वो तो बॉट था, लेकिन इस बॉट ने ना इस रियल बंदे की लोकेशन रिवील कर दी जो कि कैम करके हमको मारने वाला था, बट ये अकेला नहीं था, इसकी पूरी टीम सामने बैठी है पीछे। अबे भाई ग्लिच की हुई बग्गी। ये वाला क्लच कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी ये टीम को मारने के बाद हम लोग यहाँ से निकलने का सोचते हैं, निकलते हैं इस वाले कंपाउंड पे आता है जहाँ पे लिटरली बहुत ज्यादा कैंपिंग होती है। मेरे को इस गेम में इन घरों से सबसे ज्यादा नफरत है, ये बंदे ऊपर चढ़ के कैंप करते हैं, घास में लेट के कैंप करते हैं, बैठे बैठे कैंप करते हैं। अब यहाँ पे ये बंदे ऑल डेड हो जाते हैं, यानी यहाँ पे और भी बंदे हैं। पीछे साइड एक बंदा है तो, बट उतने में बग्गी आ जाती है जिसपे दो बंदे ऑलरेडी है और क्रोजा वगैरह लेके आए। एक गोली का जाके मार दो उसको। तो इन दोनों बंदों को मारने के बाद इनका जो तीसरा बंदा है वो यहाँ पे कैंप कर रहा है, इसको भी आके पेलते हैं पत्थर पे ही है। अब इस टीम को मारने के बाद हम लोग जाते हैं रुइंस के ऊपर तरफ जहाँ पे दो टीम्स का ऑलरेडी फाइट चल रहा था, और यहाँ पे ना गलत ही सीन हो जाता है। यार यहाँ पे जो हमारा दो नंबर भाई था रैंडम, उसको ये बंदा सांप बन के पूरा डस देता है, नॉक और फिनिश दे देता है, और बाद में खुद भी मर जाता है, और ये अलग ही टीम का बंदा था। अब यहाँ पे फुल स्क्वाड है, यहाँ पे बंदा मुझे बहुत लो कर देता है, जल्दी से हील करता हूँ, और राइट से ना एक बंदा फ्लैंक मार के आ रहा था। इस बंदे को भी नॉक दे देता हूँ, और लास्ट बंदे को मेरे टीममेट्स मार देते हैं। अब हम लोग आते हैं इस जगह पर, और यहाँ ना यार क्या होता है तुम एक बार देखना, यहाँ से एक बार ध्यान से देखना क्लिप को, इस साइड का ही दिखाता हूँ। लोकेशन मार्क, वो देखो वो सामने जो नीला नीला दिख रहा है वो बंदे का हेलमेट है, जो कि मैं बिल्कुल इग्नोर कर देता हूँ, मेरा ध्यान वहाँ पे नहीं गया और ऐसे घुस जाता हूँ।
अब यार किसी से जेन्युइन 1v1 होती है वहां पे मर जाओ ना तो उतना बुरा नहीं लगता जितना ऐसे मरने में लगता। अब यहाँ पे मेरे टीममेट ऐसे मार तो देते हैं, ये मैच हम लोग का हो जाता है चिकन डिनर। इसके बाद मैं एक रैंडम लॉबी ज्वाइन करता हूँ जहाँ पे मुझे वो बंदा मिलेगा जो कि मेरे पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ पे ये बंदे पहले चार थे, फिर ये सबको किक मार के लगाता है डुओ वर्सेस स्क्वाड। अब वो बंदा बोलता है कि मुझे लैम्बोर्गिनी चलानी है, तो मैं उसे बोलता हूँ तुम थोड़ा सा सेफ उतर जाओ, यहाँ पे मरना जाओ। वो उतरते हैं पीछे वाले रिकॉल टावर पे और मैं आता हूँ अपार्ट्स पे जहाँ पे आए बहुत सारे बंदे। अब चलो जल्दी से अपार्ट्स को क्लियर करते हैं। इतने में ना मेरा टीममेट नॉक एंड फिनिश हो जाता है। अब वो आता है ऑल चैट पे और ऑल पे ना बंदे आपस में बात कर रहे होंगे, उन्हें चैलेंज कर देता है मेरा नेम लेके। अब यहाँ से ना मैच एकदम इंटेंस हो जाता है। हेलो ऑल पे आवाज आ रहा है भाई, मेरे पार्टनर को मार के एक नंबर को मार के दिखा ये भाई ग्लेशियर है, इसको मार के दिखा, जो भाई ग्लेशियर मेरा ही पार्टनर है इसको मार के दिखा। नहीं मार पाएगा। अब कोई तुम्हारा नाम लेके ऐसा बोल दे कि इसको तुम नहीं मार पाओगे तो वहाँ पे ना थोड़ा सा डर सा बन जाता है कि यार किसी ने मार दिया तो। अब सामने से बग्गी लेने जा रहा था, एक डासिया निकलती दिखती है जो कि यहाँ पे आके रुक गया। अब सीधा जाता हूँ ऊपर और इस बंदे को मारने जाता हूँ। इस बंदे को यहाँ पे आराम से मार देता है। यहाँ से गाड़ी लेके निकल रहा था और पोचिंग की हिल पे ना भाई क्या होता है ये देखो। यहाँ पे पूरा एक स्क्वाड बैठा था जिन्होंने मुझे स्पॉट किया और अचानक से इतना डैमेज दे दिया लिटरली, मैं तो यार मुझे लग रहा था मैं नहीं बचने वाला, बट यहाँ पे जल्दी से हील करके जाता हूँ ऊपर की तरफ। मेरा टीममेट भी आ जाता है पीछे से एंगल बना के, एक को नॉक देता हूँ, दूसरे को नॉक देने का सोच रहा था कि पीछे से यानी नीचे से फुटस्टेप आ जाता जहां से अभी मैं आया हूं। और ये बंदा होता है उसी टीम का लास्ट बंदा, एक बंदे को मेरा टीममेट नॉक देता, सो ये टीम यहाँ पे हो जाती है ऑल डेड। अब यहां से निकल रहे थे पोचिंगी की तरफ कि स्क्वाड हाउस से फाइट की आवाज आती है। Watch out! ये दोनों बंदे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि मैं कहां से आया कैसे मारा, नहीं समझ आया होगा मैं जा रहा हूँ। अब यहां से निकलता हूँ सामने जा रहा था कि सामने से भी गोलियां पड़ती है। इस बंदे को डैमेज दिया बट वो बच गया, पीछे आके बैठ गया। अब सिंपली उसे नेट करके फोड़ता हूँ, पहले नेट से तो बच जाता है बट दूसरे नेट से वो नहीं बच पाता। अब इसे नॉक दिया था, दूसरे को नेट करने का सोच रहा तो उतने वो बंदा क्रॉस कर लेता है और अपने टीममेट को रिवाइव भी दे देता। अब जब तक वो रिवाइव हो गया मेरा टीममेट उसे नॉक दे देता है फिर से जिसको मैंने पहले दिया था। अब पुश करने की बारी, अब ये वाली टीम भी यहाँ पे हो जाती है पूरी भाई। अब यहाँ से मैं निकल रहा था अकेले कि पीछे मुझे साउंड आता शैक के पास बंदे का। अब मैं रुक के देखता हूँ कि यहाँ पे बंदा है कि नहीं, मुझे श्योर नहीं था बस ऐसा लग रहा था कोई है, बट वहाँ पे सच में बंदा होता है। में ऊपर से भी बंदा आ जाता। अब ये अकेला नहीं है, अब यहाँ पे आती है पूरी स्क्वाड चार बंदों की। मैं गाड़ी लेके सीधा जाता हूँ कुछ अच्छा सा एंगल ढूंढता हूँ मारने के लिए, तभी एक बंदा लेटा हुआ स्पॉट होता है। Let's go!
यहाँ पे मैंने 3 बंदों को नॉक दे दिया, बट उनका लास्ट बंदा मालूम नहीं कहाँ से मुझे नॉक दे देता। अब मुझे उम्मीद पूरी खत्म हो गई थी, बट मेरा टीममेट मालूम नहीं कहाँ से आके उनके लास्ट बंदे को पेल देता और आके मुझे बचा लेता। अब यहाँ से रिवाइव होकर निकलते हैं सिंपली जोन में। जोन हो चुका है बहुत छोटा, 5 बंदे अलाइव है, कहाँ है कोई आइडिया नहीं है। एचडी ग्राफिक्स पे खेल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बंदे स्पॉट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है घास में जब लेटे होते हैं। सो मैं पीछे की तरफ आकर रुकता हूँ जोन एच पे, जहाँ पे मुझे गाड़ी दिखती है, बट गाड़ी के आसपास कोई नहीं है। अब कोई आइडिया नहीं है कहाँ से पड़ेगी, तो लेफ्ट से एक स्मोक कर देता हूँ ताकि कोई मार ना पाए। ये स्मोक मैंने इसलिए किया था कि एनिमीज का व्यू ब्लॉक कर पाऊं, मुझे यहाँ से पड़े नहीं लेफ्ट से, बट मेरे टीममेट को लगता है कि वो स्मोक हमने किया है क्योंकि हमें दौड़ना है। अब मालूम नहीं कि वो दौड़ जाता ओपन में और वहां जाके नॉक हो जाता है। अब जैसे तैसे करके अपने टीममेट को बचा देता हूँ। ये वाला किल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो यार लाइक जरूर कर देना। अब बचे हैं 2 बंदे। अब यहाँ से निकलता हूँ, सोचता हूँ गाड़ी चढ़ा दूंगा बंदे पे, और 15 स्पॉट होता है, गाड़ी चढ़ाता भी हूँ, लेकिन भाई हमसे कहाँ होगा ये। हम लोग गाड़ी चढ़ाएंगे तो बंदे नहीं मरते, लेकिन सामने वाला कभी गाड़ी लेके आएगा ना तो तुरंत मर जाता है। मालूम नहीं क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ। अब यहाँ पे लास्ट होता मुझे स्पॉट हो चुका था, मैं भी वो स्नाइपिंग कर रहा था, स्कोपिंग करके खड़ा था, इजीली वो मर जाता, यहाँ पे हो जाता हमारा सेकंड एनर। अगर आपको गेम प्ले इंटरेस्टिंग लगाओ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एम रखते हैं अपन 200 लाइक्स का, सो वो कंप्लीट जरूर करवा देना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch, and my buzz is so humongous, you a thing that